डॉक्टर जी, क्या स्तनपान कराने वाली महिला मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों को ले सकती है? स्तनपान कराने वाली महिला, लैक्टेटिंग मदर, जो महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वह मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों को नहीं ले सकती। क्यों? ये गर्भ निरोधक गोलियां लेने से दूध का जो प्रोडक्शन होता है कम हो जाता है। दूध का प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? हार्मोन की जरूरत होता है। जब गर्भ निरोधक गोलियां, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें क्या होता है? ईस्ट्रोजन प्रोजिस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजिस्टेरोन लेने से मिल्क का प्रोडक्शन, जो दूध तैयार होना है वह तैयार नहीं होता। इसलिए जो महिला स्तनपान कराती है अपने बच्चे को, वो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां खा नहीं सकती। तब क्या करना? वो तो सेक्स में भाग लेती है, गर्भ का तब तो गर्भ आने की संभावना है, लेकिन उसको जल्दी गर्भ नहीं आना चाहिए, कुछ समय लेना चाहती है फिर गर्भ आने के लिए। इसलिए जो महिला सेक्स में भाग लेना चाहती है, वह तो लूप बना सकते हैं। ये जब डिलीवरी हो जाता है, डिलीवरी होने के बाद 6 हफ्तों से, 1.5 मंथ से, 6 हफ्तों से, 1.5 महीने से वे सेक्स में भाग ले सकते हैं, हर रोज भाग ले सकते हैं, लेकिन गर्भ आने की संभावना है। तब जब दे वह महिला सेक्स में भाग लेना चाहती है, तब तो डॉक्टर के पास जाकर के लूप के बारे में बोलना, बोलने से लूप पाने से, लूप को इंसर्ट करते हैं किधर? यूट्रस में। यूट्रस में आजकल कई सेफिस्ट लूप्स हैं। ये लूप देने से, एक बार लूप को अंदर घुसाने से, बहुत अच्छा 3-5 साल तक उसको निकालने की जरूरत नहीं, तब तक बहुत सेक्स में भाग लेते हैं। जब फिर वह महिला चिल्ड्रन को चाहती है, तब लूप को निकाल सकती है, तब सेक्स में भाग ले सकती है। इसलिए स्तनपान कराने वाली महिला माताजी गर्भ निरोध मात्र गोलियों को खाना मत, लूप को पाना ठीक बात है। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित सुख संसार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स।